हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस फिट चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और हम लोग कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास घटनाचक्र 2021 की जो सीरीज चल रही है उसमें। ठीक है गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 44 जो कि है भारत छोड़ो आंदोलन। छोटा सा, मतलब छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा सा ये चैप्टर है गाइस, लेकिन जल्दी जल्दी हो जाएगा खत्म। आसान सा चैप्टर है गाइस। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करिए। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड जो वीडियो है उसको शेयर करिए एंड चैनल को शेयर करिए दोस्तों। चलिए फिर यहाँ पे जो है हमारी अपनी बातें खत्म करते हैं और जो है हमारा चैप्टर है उसको हम करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, यहाँ हो रहा है हमारा चैप्टर स्टार्ट। देखिए यहाँ क्या लिखा है। देखिए यहाँ लिखा है कि वर्धा में क्या होता है। 14 जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस समिति की बैठक में मौलाना, देखिए बैठक जो होती है ना वर्धा में, उसमें कौन कौन है, उसमें है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पट्टाभी सीतारमैया और जी बी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद मोहम्मद एंड आसफ अली, जे बी कृपलानी, महात्मा गांधी। तो इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था तथा भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव यहाँ पे क्या हुआ था, पास हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था गाइस, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो इसमें लिखा है 7 अगस्त 1942। ठीक है, इसको क्या, इस दिन क्या होता है कि बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की क्या होती है, वार्षिक बैठक होती है, जिसमें वर्धा प्रस्ताव जो वर्धा में हो रहा था, तो वर्धा प्रस्ताव यानी कि भारत छोड़ो की पुष्टि होती है और थोड़े बहुत संशोधन के बाद अगले दिन यानी कि 8 अगस्त 1942 को क्या होता है, ये जो प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लिया जाता है और भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा है, लिखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने निम्नलिखित बयान दिया। अब देखिए उन्होंने क्या बयान दिया, उन्होंने पहला कहा कि सरकारी जो कर्मचारी है वो नौकरी ना छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा को की घोषणा करें। ठीक है, दूसरा क्या होता है, उन्होंने कहा जो सैनिक है अपने देशवासियों पर गोली ना चलाएं, ठीक है, मतलब चलाने से इनकार कर दें। तीसरे उन्होंने कहा छात्र तभी अपनी पढ़ाई छोड़े जब आज़ादी प्राप्त होने तक अपने इस निर्णय पर जो है वो दृढ़ रह सके। फिर वो कहते हैं कि जो राजा महाराजा हैं भारतीय जनता के प्रभुसत्ता स्वीकार करें, ठीक है, और उनकी रियासतों में रहने वाली जो जनता है अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे और राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करें जब वे अपना भविष्य जो है जनता के साथ जोड़ लें, ना कि ब्रिटिश सरकार के साथ। ठीक है, तो इसमें अब गांधी जी क्या कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात गांधी जी क्या कहते हैं, संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं। ठीक है, उन्होंने कहा मुझे संपूर्ण आज़ादी चाहिए और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट गाइस आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो हाँ, अब गांधी जी ये भी कहते हैं हो सकता है कि जो अंग्रेज सरकार है वो नमक टैक्स या शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव रखे, लेकिन अब उस लालच में मत आना, तो लेकिन किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं एक मंत्र देता हूँ, मंत्र है गाइस करो या मरो। ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब हो, उसका मतलब हो कि भारत को आज़ाद करा, मतलब या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या फिर आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे यानी मर जाएंगे। ठीक है, अब 8 अगस्त 1942 को क्या होता है, अखिल भारतीय कांग्रेस तो 8 अगस्त 1942 को क्या होता है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया, अब जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया। अब इस प्रस्ताव का आलेख जो है स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अलग क्या है गाइस यहाँ पे थोड़ा सा, ओके okay. अब इसमें लिखा है हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, 9 अगस्त 1942 को क्या होता है, जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो आरंभ हो जाता है यानी कि स्टार्ट हो जाता है। अब इसके स्टार्ट होते ही देखिएगा इस क्या होता है कि आंदोलन आरंभ होते ही क्या होता है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या होता है, गांधी जी और जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं उनको क्या है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब गाइस गिरफ्तार करके किसको कहाँ रखा जाता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जो गांधी जी हैं और सरोजिनी नायडू हैं उनको कहाँ रखा जाता है, पूना के आगा का पैलेस में रखा जाता है। दूसरा, अब कांग्रेस के और नेताओं की बात करते हैं तो नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभी सीतारमैया, सैयद महमूद, आचार्य किपलानी, गाइस इनको कहाँ रखा जाता है, अहमदनगर किले में रखा जाता है। ठीक है,
अब बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद की, तो इन्हें ये बंबई नहीं आए थे, ये कहाँ थे, बिहार में थे। तो इन्हें पटना में ही गिरफ्तार किया जाता है, पटना बांकीपुर जेल में नजरबंद किया जाता है। उसके बाद लिखा है कि शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, अब जो 1942 के आंदोलन का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो कहाँ पड़ा, बंबई में, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा, यूपी और कहाँ आपका मद्रास, और इसके अलावा भी संपूर्ण देश में लोग इससे जुड़े हैं। फिर लिखा है आंदोलन के पूर्वी अधिकांश शीर्ष नेताओं को कर लिया गया था गिरफ्तार ऑपरेशन जीरो आर के तहत। ठीक है, तो ये आंदोलन एक तरह से क्या हो गया, स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहलाया, यानी अपने आप से अब चल रहा है ये। ठीक है, इसको अब किसी नेतृत्व की जरूरत नहीं, या अपने आप लोग खुद का ही नेतृत्व कर रहे हैं और चला रहे हैं, इसलिए इसको बोला स्वतः स्फूर्त। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 के समय भारत के प्रधान सेनापति, गाइस क्या नाम था, लॉर्ड वेवल थे, जो बाद में क्या होता है 1943 से 47 तक भारत के क्या वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहे। ठीक है, फिर लिखा है इस आंदोलन के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं गाइस कौन थे, वो थे आपके प्रधानमंत्री चर्चिल थे। ठीक है, अब लिखा है कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। थोड़ा सा इनका देखते हैं क्या है कि वो क्या है, 1940 में क्या होता है रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। अब क्या होता है कि 41 से लेकर 45 तक क्या होता है, कोई भी कांग्रेस का अधिवेशन होता नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि 6 वर्ष तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने रहते हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस कि 1940 से 45 तक कौन है आपके कांग्रेस के अध्यक्ष, सबसे बड़े सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले आज़ादी से पहले, तो वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद। तो गाइस एक कमेंट करके बताइएगा कि आज़ादी के पास सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे। ठीक है, तो लिखा है कि वे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक और सबसे नाजुक दौर के अध्यक्ष रहे, कौन, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अब लिखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के विभिन्न भागों में कांग्रेस का गुप्त रेडियो जो है प्रसारित किया गया। ठीक है, और ये कहाँ तक सुना जाता था, मद्रास तक, बंबई का था और कहाँ तक सुना जाता था, मद्रास तक सुना जाता था। और इसमें प्रसारण, डेली प्रसारण कौन करता था, राम मनोहर लोहिया, तो ये तो करते थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें उषा मेहता की, तो उन्होंने क्या भूमिगत रेडियो का संचालन करा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या होता है, अमेरिकी पत्रकार यानी कि लोई फिशर, जो गांधी जी के जीवनीकार भी थे, तो उनके साथ थे। ठीक है, गांधी जी के साथ थे लोई फिशर, तो अमेरिकी बुद्धिजीवी हैं पर्लबक, एडगर्स नो, फिर एमएल सुरमेन और एक नाम है गाइस क्या लिखा है यहाँ पे, नॉर्मन थॉमस के साथ लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की क्या करी थी, मांग की थी। ठीक है, फिर लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार यूपी यानी कि संयुक्त प्रांत में सबसे ज़्यादा व्यापक थे, और यहाँ जो है विद्रोह जैसा माहौल बन गया था। अब लिखा है पूर्वी यूपी में, जो पूर्वी यूपी है यानी कि जो आजमगढ़ है, बलिया है, गोरखपुर, और बिहार की बात करें तो गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहबाद और मुजफ्फरपुर और चंपारण, स्वतः स्फूर्त जन जो विद्रोह है उसका मुख्य केंद्र बन गया था। अब यहाँ क्या लिखा है कि 1942 में अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफ़ी व्यापक हो गया था। कौन सा, अगस्त आंदोलन, तो किसानों के अंशकालीन जत्थे दिन में खेती करते और रात में क्या करते, तोड़फोड़ की कार्रवाई करते, तो उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि वह किसका याद दिलाती थी, जो 1857 यानी कि 1857 का जो विद्रोह था ना, ये उसकी याद दिलाती थी। ठीक है, तो अब क्या होता है, इसलिए जो तत्कालीन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, कौन थे गाइस, चर्चिल को भेजे गए एक तार में, तत्कालीन जो वायसराय थे, मतलब उस टाइम जो वायसराय थे ना, लिनलिथगो, वो एक तार भेजते हैं किसको, ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री होते हैं आपका चर्चिल होते हैं। ठीक है, तो उनको एक तार भेजते हैं यानी एक चिट्ठी भेजते हैं, उसमें वो क्या कहते हैं, इस आंदोलन को 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा। ठीक है, अब लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर क्या है, भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया, ये भाग गए थे। ठीक है, अब लिखा है योगेंद्र शुक्ल जो है जयप्रकाश नारायण के साथ 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे थे, लेकिन क्या होता है, मुजफ्फरपुर में ये गिरफ्तार हो जाते हैं और वहां से पटना लाए जाते हैं। किसकी बात करी है हमने, योगेंद्र शुक्ला की। फिर देखिएगा इसे, यहाँ लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया, तो उसके बारे में पट्टाभी सीतारमैया क्या कहते हैं, वो कहते हैं वास्तव में गांधी जी उस समय अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। तो ये किसने कहा था, पट्टाभी सीतारमैया ने।
अब लिखा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है उससे रहा पृथक, ठीक है। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता यानी कि 1947 के समाप्त होने तक जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उसमें संघ की कोई भूमिका नहीं थी। मतलब इन्होंने कहा 1940 से 47 तक में जो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसकी कोई भूमिका नहीं रही। अब बात करते हैं अरुणा असफली की। तो ये क्या थी, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या होता है, बंबई का जो ग्वालियर टैंक मैदान होता है ना वहाँ पे कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए उनको जो है हमेशा याद रखा जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े नेता है सारे जेल में पहुंच गए थे, तो अब जो देश का जो है नेतृत्व यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व तो कौन कर रहा था, तो गाइस कौन कर रहा था, अरुणा असफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये आदि, तो ये लोग कर रहे थे, ठीक है। अब इसने कहा कि इन्होंने भूमिगत रहकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था जब सारे नेता जो है जेल में चले गए थे, बड़े नेता, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी क्या थी कि गाइस क्या होता है, देश के कई भागों में क्या है, जो ब्रिटिश सरकार तो है ही, उसके बाद क्या है समानांतर सरकारें चलने लगी, वहाँ पे लोगों ने खुद ही सरकार बना ली और वो सरकारें चलने लगी। जैसे कहाँ कहाँ चल रही है, तो तीन जगह ये है, बलिया है, तामलुक मिदनापुर जो कि बंगाल में है, और एक है सतारा जो कि महाराष्ट्र में। तो देखिए बलिया यूपी में गए समझाते, तो बलिया में क्या है अगस्त 1942 से चित्तू पांडे के नेतृत्व में सरकार चली थी, और जो तामलुक मिदनापुर बंगाल है वो दिसंबर 1942 से लेकर सितंबर 1944 तक क्या होता है कि यहाँ की जो जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए जो है कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब सतारा महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 1943 से 1945 तक ये सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी, और ये क्या है प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार का स्थान सरकार स्थापित की गई थी, क्या प्रति सरकार। तो इसके मुख्य नेता थे वाई वी चौहान और नाना पटेल। तो इसके अतिरिक्त जो है उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक समानांतर सरकार रही थी, ठीक है। फिर लिखा है बीमारी के आधार पर गांधी जी को क्या किया गया, देखिए सारे बड़े नेता जेल में थे तो बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 को गांधी को रिहा कर दिया जाता है, गांधी जी को, ठीक है, छोड़ दिया जाता है। तो लिखा है विंस्टन चर्चिल क्या कहते हैं, आप देखिए गांधी जी की रिहाई के संबंध में क्या कहते हैं, चर्चिल कौन थे गाइस, उस वक्त में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे। तो कहते हैं जब हम हर जगह जीत रहे हैं तो ऐसे वक्त में हमें कमबख्त बुड्ढे के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा है नोट्स हो गए कंप्लीट। अब इसके बाद क्या है दोस्तों, हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन आंसर। इसमें लिखा है 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो गैस उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है गैस। तो ये जो तो गैस यहाँ पे जो व्याख्या है ना दोस्तों, तो ये हम जो है पूरी की पूरी नोट्स में पढ़ के आए हैं दोस्तों। आप यहाँ वीडियो को करिए पॉज और इस व्याख्या को पढ़ लीजिए, इसमें कुछ भी नया नहीं है। जहाँ नया होगा वहाँ मैं ज़रूर बताऊँगी, फिलहाल ये नया नहीं है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था। तो गैस पारित कहाँ किया गया था, वर्धा में किया गया था, ठीक है। अब लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था, तो गैस वो थे आपके लॉर्ड वेवल थे, ठीक है। तो 1942 के समय क्या होता है भारत का प्रधान सेनापति कौन था, वेवल थे। और ये कब थे, 1946 से 43 से लेकर 47 तक भारत के क्या है वायसराय भी होते हैं और गवर्नर जनरल भी रहे, ठीक है। तो लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ होता है, तो गैस होता है 9 अगस्त 1942 को होता है, ठीक है। तो गैस यहाँ पे भी आप एक बार इसको खुद से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये भी बिल्कुल वही है जो हम नोट्स में पढ़ के आए हैं, ठीक है। चलिए आगे लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया, तो गैस कहाँ किया गया था, बम्बई के ग्वालियर टैंक में। एक्चुअली दोस्तों मैं व्याख्या क्यों नहीं पढ़ी, बिकॉज इसमें जो क्वेश्चन हैं वो हैं बहुत ज़्यादा, अप्रॉक्स 60 के आसपास है, और मैं चाहती हूँ इसी वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाए। तो जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं उसको स्किप कर रहे हैं, बाकी हम आगे देखते हैं, जो नहीं पढ़ा होगा वो जरूर पढ़ेंगे। लेकिन 1942 क्यों महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस समय क्या चल रहा था गाइस, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो गाइस कहाँ से, बम्बई के ग्वालियर टैंक से स्टार्ट हुआ था। फिर 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था, तो गाइस बम्बई में स्टार्ट किया था। लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष हुई थी, तो गाइस 1942 में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था, तो ये कहानी जब चल रही है वो अगस्त की बात थी, तो 9 अगस्त 1942 को किया गया था। फिर लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने, अब उन्होंने क्या कहा था महात्मा गांधी ने, तो उन्होंने कहा था जो सरकारी कर्मचारी है वो त्यागपत्र देने को कहा, तो ये गलत है। उन्होंने कहा कि भैया जो सरकारी कर्मचारी है वो नौकरी ना छोड़े, ठीक है, सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा, बिल्कुल गलत है, वो भी कुछ नहीं कहा। फिर लिखा है राष्ट्रीय रियासतों के राजाओं को अपने जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा, तो गाइस तीसरा सही है, बाकी पहला और दूसरा गलत है, जिसमें है केवल तीन, ठीक है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इसमें भी वही सारी बात लिखी है कि सरकारी कर्मचारियों से कहा कि कांग्रेस का साथ दे लेकिन अपनी जो नौकरी ना छोड़े, सैनिक जो है देशवासियों पर गोली ना चलाए, छात्र तभी पढ़ाई छोड़े जब वो एंड तक इसमें सहयोग दे सके भारत छोड़ो आंदोलन में, और राजा महाराजा जो है जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करें, ठीक है। फिर लिखा है यह कथन हम भारत को या तो आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, ठीक है, किससे जुड़ा है, तो ये गाइस किससे जुड़ा है, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है, और किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा था कि यही लिखा है, कुछ नहीं लिखा है कि 8 अगस्त 1942 को संशोधन के साथ क्या होता है, जो ये आपका भारत छोड़ो प्रस्ताव है वो हो जाता है पारित, तो और गांधी जी द्वारा क्या कहा गया था कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ में मैं जो है संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। अब अंग्रेज जो है लालच देते हैं, जैसे मान लो अगर कोई अंग्रेज जो है लालच देते हैं, जैसे नमक टैक्स या शराबखोरी इस सब को बंद कर देंगे, तो भाई आप ये मान लेना कि मैं फिर भी यही कहूँगा कि मेरे शब्द होंगे क्या होंगे कि आज़ादी से कम कुछ भी नहीं, ठीक है। तो वो उन्होंने कहा कि मैं एक नारा देता हूँ या एक मंत्र देता हूँ जो कि है करो या मरो, तो इस मंत्र का आशय क्या है कि या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास दिवंगत यानी कि खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से, तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है, तो गाइस किससे, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। फिर गांधी जी का करो मरो नारा जो है था, तो इसमें लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया जाता है, तो किसकी प्रतिक्रिया, आइए देखते हैं, तो वो किया जाता है आपका ओके बी। तो इसमें लिखा है क्रिस प्रस्ताव असफल होने के बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रारंभ किया, तो ये थोड़ा सा एक नई लाइन हो गई गाइस, ठीक है। तो हमने अभी तक में नया क्या देखा, ये देखा, तो आप अगर नोट्स बनाते हैं तो इसको नोट्स में लिखिए, ठीक है। लिखा है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी जो है सत्य नहीं है, तो आइए देखते हैं कौन सी सत्य नहीं है। ओके चलिए पढ़ लेते हैं। यह आंदोलन अहिंसक था, तो गाइस हिंसा तो हो रही थी, और इसमें लिखा है इसका जो है नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, और यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, इसके सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं गाइस, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें नई है, एक क्वेश्चन तो इसकी व्याख्या में काफ़ी चीज़ें आपको नई मिलेंगी, ठीक है। तो लिखे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन निष्ठा अहिंसक नहीं था, यानी कि हिंसक था, ठीक है। तो सरकारी आकलनों के अनुसार क्या होता है, इस आंदोलन के पहले हफ्ते में 250 रेलवे स्टेशन और या तो नष्ट कर दिए गए या क्षतिग्रस्त हुए, और 500 से ज़्यादा जो है डाकघरों और 150 थाने पे हमला हुआ, ठीक है, तो हिंसक तो था। सत्ता पक्ष से तो दमन के लिए भारी हिंसा हुई थी, तो महात्मा गांधी ने स्वयं 1942 में जनता द्वारा की गई हिंसा की निंदा करने से इनकार कर दी। उन्होंने कहा भैया कुछ नहीं हो रहा, ये हिंसा हिंसा कुछ नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि गांधी जी हिंसा से जो है नाराज नहीं थे, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि इनका कहना था कि ये सत्ता बड़ी हिंसा का जवाब है, ठीक है, कि ये सत्ता की जो बड़ी हिंसा है ना उसका जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन में जो हिंसा हो रही है। वो आंदोलन के पूर्व ही क्या होता है, अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण क्या है, ये आंदोलन एक प्रकार का स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। तो विकल्प ए और बी दोनों सही है, और ठीक है जो भी है गाइस पढ़ लीजिए। फिर इसमें लिखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो गाइस किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस द्वारा 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ किया गया था, तथापि आंदोलन के प्रारंभ के पहले यानी कि पूर्व ही गांधी जी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, और ये फिर देश भर में स्वतः स्फूर्त रूप से प्रसारित हुआ था, ठीक है। फिर भी इस आंदोलन को आरंभ करने की प्रेरणा गांधी जी ने दी थी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा 1942 के भारत छोड़ो, मतलब इसमें देखिए जो है नेतृत्व किसने किया, गांधी जी ने किया। एक्चुअली क्या होता है, सब के सब तो जेल चले जाते हैं, लेकिन फिर भी जो माना जाता है कि नेतृत्व किसने किया, तो गांधी जी ने ही किया। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि जेल चले गए तो नेतृत्व किसने किया। तो यहाँ पर लिखा है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका नेतृत्व तो गांधी जी द्वारा किया गया था, सही है। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, ठीक है।
ओके, फिर यहाँ लिखा है ये एक अहिंसक आंदोलन था, यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। गाइस ओके, तो ए सी और डी ये तो सही है, ठीक है। अब लिखा है 8 अगस्त 1942 को रात में ही अधिकांश नेताओं की गिरफ्तारी के कारण भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया था। गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण वे भी इसका नेतृत्व नहीं कर पाए थे और साथ ही इस आंदोलन में व्यापक हिंसा भी हुई थी और ये आंदोलन अहिंसक नहीं था। आंदोलन की घोषणा के बाद ही कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए और सी दोनों है, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्र में इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो बी बताया है, ठीक है गाइस। मतलब देखिए ए में क्या लिखा है, गांधी जी ने नेतृत्व किया था तो वो तो जेल चले गए थे, तो इसमें लिखा है कि ऐसे इस हिसाब से तो गांधी जी ने नेतृत्व नहीं किया था, बट बी बी को हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, तो हिंदू महासभा ठीक है नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन्होंने भी नहीं किया था, फिर यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब इनने भी नहीं, तो उपरोक्त सभी मतलब किसी ने नहीं किया था, और उसके अलावा थी मुस्लिम लीग इन्होंने भी नहीं किया था। अब लिखा निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था, तो इसमें लिखा है सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ये करते हैं। आगे लिखा है 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तारित किया गया था, तो गाइस जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था तो ये गांधी जी ने बनाया था, किसकी हेल्प से, नेहरू और आजाद की हेल्प से, ठीक है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो गैस किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली, तो ये हो गया कुछ नया, ठीक है। तो भारत छोड़ो क्विट इंडिया और करो या मरो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, ठीक है। तो लिखा है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कैसे ये क्वेश्चन आया है आपका एमपीपीसीएस में आया, 2018 में आया हुआ है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो गैस कौन थे, 1940 से लेकर 45 तक मौलाना मोहम्मद अली थे, सॉरी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, ठीक है। तो इसमें वही कहानी लिखी है कि 1940 के बाद क्या होता है, 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में अब्दुल कलाम आजाद जो है अध्यक्ष बनते हैं और 41 से लेकर 45 तक कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, 6 वर्ष तक जो है स्वतंत्रता से पहले सबसे लंबे समय तक कौन रहते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहते हैं, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था, तो गाइस कौन था ये आप बताइए। फिर लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन फल था, ओके, क्रिस्प के प्रस्तावों के भारतीयों के निराशा का, ठीक है, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, ओके, गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, ओके। फिर लिखा है ए आई सीसी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का, तो इन्हें का फल था, किसका फल था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसमें लिखा है B1, 2 और 4, ठीक है। आइए 3 देखते हैं, 3 में क्या लिखा था, ठीक है, गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, तो गैस ये गलत है, तीसरा गलत है, 1, 1, 2 और 4 ये सही है। तो इस यहाँ ये उत्तराखंड में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। 1942 में क्रिस्प मिशन की विफलता से ये स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटिश सरकार युद्ध में भारत की अनिच्छुक साझेदारी को तो बरकरार रखना चाहती थी लेकिन किसी सम्मानजनक समझौते के लिए जो है तैयार नहीं थी, ठीक है। करो मरो वाले अपने भाषण में गांधी जी ने साफ कहा था कि मैं रूस और चीन की हार का औजार नहीं बनना चाहता, ठीक है, लेकिन वर्ष 1942 के बसंत तक उन्हें लगने लगा था कि संघर्ष अपरिहार्य है, अतः कांग्रेस ने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया और गांधी जी ने अपने लेखनों में यही कहीं भी देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काया नहीं था, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हो गया सारा, ये जो आपकी व्याख्या थी ये बिल्कुल, इसमें बहुत सारी चीज़ें नई हैं तो ये जरूर आप इसे पढ़िएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था, तो किसने किया था, ऊषा मेहता ने किया था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों में जो है कांग्रेस गुप्त रेडियो का प्रसारण किया गया जिसमें मद्रास तक, बम्बई में किया गया था और इसे मद्रास तक सुना जाता था। राम मनोहर लोहिया जो है नियमित रूप से इस रेडियो पर क्या है प्रसारण करते थे। तो ऊषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण क्या सदस्य थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में ऊषा मेहता की ख्याति क्या थी, तो इसमें लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो यहाँ है भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, ठीक है, ये इसलिए ये फेमस हो गई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था, तो राम मनोहर लोहिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दास्ता का गठन किया था। ओके तो इस ये है कुछ नया, ठीक है। तो यहाँ लिखा है डी जयप्रकाश नारायण ने, तो लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई में बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। आजाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए किया गया था, ताकि युद्ध कार्यों में जो है सरकार को बाधा पहुंचे। तो मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया, और उसके साथ गिरफ्तार व्यक्ति में राम मनोहर लोहिया, श्यामानंद सिन्हा एंड बैद्यनाथ झा और कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। गाइस ये बिहार पीसीएस का क्वेश्चन, मतलब बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार आप फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक बार इसकी व्याख्या को फिर से पढ़ के समझिएगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे गाइस, तो वो थे आपके चर्चिल। टाइम पीरियड है 1940 से लेकर 45 तक। फिर लिखा है अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, तो गाइस कौन थे, लुई फिशर, ठीक है। और ये जो है महात्मा गांधी के जीवनीकार भी थे, और अमेरिकी बुद्धिजीवी यानी कि पर्लबक, एडगस्नो और एम एल सुरमेन, नॉर्मन थॉमस के साथ जो है लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। देखिए महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर थे, ठीक है, ये एक अमेरिकी पत्रकार थे। महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर संबंधित थे, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से। निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार था, तो गाइस कौन था आप बताइए। फिर लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे, बिहार, गुजरात, बंगाल या और संयुक्त प्रांत, तो गाइस कहाँ कहाँ थे, कि एक था आपका बिहार में और संयुक्त प्रांत में। यहाँ पर तो बहुत ही व्यापक स्तर पर चल रहा था, ठीक है, विद्रोह। तो यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया था। और यूपी में कहाँ, आजमगढ़, बड़िया, गोरखपुर, और अगर हम बिहार की बात करें तो गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहबाद एंड मुजफ्फरपुर और चंपारण, ठीक है। तो यहाँ पे स्वतः जन विद्रोह के मुख्य, ये जो है स्वतः जन विद्रोह के मुख्य केंद्र थे। अब लिखा है लॉर्ड लिंग लिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद जो है सर्वाधिक गंभीर जो है विद्रोह बताया था, बिल्कुल सही है। कुछ क्षेत्रों में जो है किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर है ए, ए का मतलब हो गया आपका ए, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों ये हम पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, ये कहाँ गए थे दोस्तों। देखिए ये उस वक्त थे पटना में, तो पटना बिहार में थे, तो इन्हें पटना के जो क्या है बांकीपुर जेल में रखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हर एक को अलग अलग जगह रखा गया था, जैसे गांधी जी सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां जो पैलेस है वहाँ रखा, यानी कि नज़रबंद किया गया था। और नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, प्रफुल्ल चंद्र और पट्टाभी सीतारामैया, सैयद मोहम्मद और आचार्य कृपलानी, इन सबको रखा गया था अहमदनगर किले में, ठीक है। अब यही राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इस वक्त मुंबई नहीं आए थे, तो उन्हें पटना में गिरफ्तार कर लिया गया था और बांकीपुर जेल में नज़रबंद किया गया था। तो यहाँ लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था, गाइस कहाँ, बंबई में पूना के आगा खां महलिया पैलेस में नजरबंद किया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, कहाँ, आगा खां पैलेस में। यह लिखा है महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए थे, ठीक है। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी, और इसमें क्या है अधिकतम प्रभावित जिले थे कौन कौन से थे गाइस। देखिए बीपीएससी का ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है मुंगेर, सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला, मतलब बहुत सारे थे जिसमें एक है नाम मुंगेर का। तो दोस्तों ये वाला जो है पैराग्राफ देखिए इसमें क्या लिखा है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी सहित सभी शीर्ष नेताओं को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार। आंदोलन को चलने के लिए क्या पुलिस ने दमन चक्र चलाया, पुलिस के इस दमन के क्रूर होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्रवाई की, तो उसने पुलिस थाने, रेलवे स्टेशन, डाकघर पर हमले किए, कई स्थानों पर रेल लाइनें जो है उखाड़ दी गई, जिससे क्या है रेल सेवा पूरी तरह से ठप हो गई। जन आक्रोश के इस तूफान के बड़े बड़े केंद्र थे जैसे बंगाल में मेदिनीपुर,
बंगाल में मेदिनीपुर, उत्तर प्रदेश में बलिया जिला, बिहार में मुंगेर जिला, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो गया। फिर लिखा है रेल पट्टी उखाड़ने की सबसे ज्यादा घटनाएं बिहार में हुई, इससे सर्वाधिक प्रभावित मुंगेर जिले का जो प्रायः 2 सप्ताह तक बाहरी दुनिया से जो है संकट कटा, मतलब संपर्क क्या रहा, कटा रहा, ठीक है। अब लिखा है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन में मिली थी। एक्चुअली ये क्या होता है, ये भाग जाते हैं अपनी जेल से, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये राष्ट्रीय स्तर की जो पहचान इनको कहाँ मिली थी, भारत छोड़ो आंदोलन में मिली थी। अब क्या होता है कि 9 अगस्त 1942 के दिन सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार ना हो सके थे उन्हें गुप्त रूप से असंगठित जनता के निर्देश किया। तो इसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली, ये सारे प्रमुख थे, मतलब इन्होंने नेतृत्व किया गुप्त रूप से। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया, तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, ये कहाँ से भागे थे, मतलब किस जेल से भागे थे, ये एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा, हजारीबाग के सेंट्रल जेल से ये फरार हो गए थे और फिर उन्होंने भूमिगत गतिविधियों को नियंत्रित, मतलब संचालित किया, नियंत्रित किया। फिर यहाँ लिखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत कराने और साहस दिलाने में सफलता मिली, बिल्कुल सही है। करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया, बिल्कुल सही है, दोनों सही, ठीक है। तो यहाँ है आंसर ए, मतलब ए और आर दोनों सही है, और जो है ए की जो है आर सही व्याख्या करता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, तो यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया उसके बारे में पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर जो है भाषण दे रहे थे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन अपने पूर्ववर्ती सभी आंदोलनों यानी कि असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया या व्यक्तिगत सत्याग्रह की तुलना में अधिक स्वतः स्फूर्त था। आप लिखा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, बिल्कुल सही है। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी, ठीक है। तो गाइस इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर है आपका सी, यानी कि जो ए है वो सही है और जो बी है वो क्या है, सॉरी आर जो है असत्य है। देखिए क्या लिखा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से तो पृथक रहा और 1940 से 47 तक क्या है ये हर एक उस आंदोलन से, मतलब जो भी चीज़ें हुई हैं आज़ाद होने तक उसमें इसने कहीं पर भी पार्ट नहीं लिया है। चलिए फिर लिखा भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए, ओके। दूसरा लिखा है जिन्ना के ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रखने के लिए कहा, ठीक है। इसका आंसर है ए, यानी कि दोनों ही सही हैं, ठीक है। और जो है ए की सही व्याख्या आर करता है। यहाँ क्या लिखा है, मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की निंदा की, एक। फिर जिन्ना ने कहा था कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ दें तो भारत में जंगल राज लागू हो जाएगा, अतः मुसलमान अंग्रेजों के नज़दीक आ गए। स्वतंत्रता संग्राम के, गैस ये आपका कुछ नया था ना, ये वाली व्याख्या में ये क्वेश्चन नया था, ठीक है, मतलब आपने नोट्स में ये नहीं पढ़ा। फिर लिखा है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रिया कलाप के प्रमुख महिला संगठक थी, तो गैस इसमें क्या है भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है। अब ये क्या होता है कि इनको कैसे याद रखा जाता है, ये क्या है कांग्रेस का झंडा फहराती हैं, कहाँ पर फहराती हैं, बम्बई के क्वालियर टैंक में, ये क्या करती है कांग्रेस का झंडा फहराती है। अब इन्होंने कहा अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि के कांग्रेस के सभी जो नेता हैं जब गिरफ्तार हो गए थे तो इन्होंने क्या किया था, अब भूमिगत रहकर नेतृत्व किया था भारत छोड़ो आंदोलन का। यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी गाइस, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी, तो ये बताइए आप। नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है उसका नामोल्लेख कीजिए और जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी, तो गैस एक बलिया में की गई थी, बिल्कुल हम पढ़ के आए हैं बलिया और सतारा, ये दो तो गैस हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। बाकी देखिए इसका आंसर भी है ए, और मतलब ए है यानी कि पहला और दूसरा यानी कि बलिया सतारा। देखिए कहाँ कहाँ हुई थी समानांतर सरकार की स्थापना, बलिया तामलुक मिदनापुर बंगाल में हुई थी और सतारा महाराष्ट्र में हुई थी, तो गाइस ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा गाइस, और इसमें कुछ भी नहीं है, वही सब है जो नोट्स में हम पढ़ चुके हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी, 1942 में ही हो रही है जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी, तो कहाँ हुई थी गाइस, बलिया में हुई थी, ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग।
लिखा है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया में की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठता थी। ओके, फिर लिखा है, भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात जो है शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। ठीक है, तो गाइस इसमें एक बार हम देखते हैं, इसका आंसर ए यानी कि दोनों सही है। ठीक है, इसमें लिखा है, निसंदेह भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार के बर्बरतापूर्ण कुचला, फिर भी 1947 में स्वाधीनता का जो स्वर्ण विहान हुआ उसमें इस आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान था। जो 1947 में हम आज़ाद हुए ना, उसमें सबसे बड़ा योगदान इसी का था, भारत छोड़ो आंदोलन का। अगस्त 1942 में दी गई क्या भारत छोड़ो की ललकार ने ठीक 5 वर्ष के बाद क्या होता है अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। गाइस भारत की आज़ादी के और भी बहुत सारे कारण थे, जिसमें एक ये भी था। ठीक है, फिर इसमें लिखा है, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? तो ये नई बात है गाइस यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका डी, यानी कि संवैधानिक गतिरोध का हल। चलिए आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। तो इसमें क्या लिखा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए क्या होता है, राजगोपालाचारी ने वर्ष 1944 में दी वे आउट नामक एक पैम्पलेट यानी कि प्रपत्र जारी किया, जिसका कांग्रेस की ओर से जो है विरोध किया गया। गांधी जी ने जिन्ना से अपनी बातचीत में इस प्रस्ताव की चर्चा की थी, जिसे जिन्ना ने क्या करा, अस्वीकार कर दिया था। अब लिखा है ऑपरेशन रूबीकॉन, ये भी नया है कुछ। ठीक है, तो ऑपरेशन रूबीकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में जो है प्रयोग में लाया गया था? तो गाइस जेल में गांधी का आमरण अनशन, उसके लिए ऑपरेशन रूबीकॉन। देखिए, आगा का पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से क्या होता है, गिरावट आती है। फिर चिकित्सकों के परामर्श पर क्या होता है, भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा यह विचार किया जाता है अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बंबई सरकार प्रांतीय सरकार के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो चैप्टर है वो हो जाता है कंप्लीट। और जो नेक्स्ट चैप्टर है गाइस, हम यहाँ देख रहे हैं क्या है, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें ये चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 45 है, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। ठीक है, अगर आपको कोई सजेशन देना हो, कोई बात कहनी हो, या मेरी कहीं पे कमी आ रही है तो आप प्लीज कमेंट में मुझे बताइए और वीडियो को शेयर करिए दोस्तों जितना हो सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है #UPPCSWithChauhan। तो गाइस यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी वीडियो को करते हैं समाप्त। और जो है नई देखिए गाइस, यहाँ पे हमारे पे अभी टोटल 50 चैप्टर्स हैं, जिसमें हम 45 चैप्टर नंबर 44 शायद अभी हमने किया है। अब हमारे पास कुछ 5-6 चैप्टर्स बचे हैं जो कि 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, 1 चैप्टर या 2 चैप्टर बड़े हैं, बाकी सब छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।